हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निधि, आपकी गार्डन दोस्त, और आप हैं मेरे साथ गार्डनिंग विद निधि में। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आई हूं अपने गार्डन कॉर्नर का, बुद्धा कॉर्नर। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे फ्लावर्स खिल रहे हैं इस वक्त। अभी ये देखिए, ये सबसे नीचे की साइड आप देखिए डेंथस है। डेंथस से स्टार्ट करते हैं, और कितने इसके ब्यूटीफुल कलर्स हैं। और ये पिंक शेड है, ये देखिए, ये डबल शेड है फ्रेंड्स, कितना अच्छा है, पिंक विद डार्क पिंक। ये देखिए ये कलर, रेड कलर। और ये हमारी छोटी सी बटरफ्लाई इस पर बैठी हुई फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरे पेंजी के फ्लावर्स, लेकिन हमारे यहाँ देहरादून में ओले पड़ने की वजह से मेरे बेचारे सारे ख़राब हो गए हैं, और जो फूल खिले थे उन पे ओले पड़ गए हैं, पर फिर भी अब शुरू होंगे, बस इसी उम्मीद के साथ। फ्रेंड्स देखिए, ये इसके बीज बनने स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप इसको अभी बीजों के लिए, सीड्स के लिए मत लीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका जो फूल पेड़ है ये सीडलिंग शुरू कर देगा बनाने, सीड्स बनाने स्टार्ट कर देगा, और फिर फ्लावरिंग कम हो जाएगी। ये देखिए, इसको तोड़ के फेंक दीजिए, ऊपर की इस तरह से डेड हेडिंग्स हैं, इन्हें निकालते रहिए, ये सब निकाल के फेंक दीजिए, ये जो पुराने हैं फ्लावर्स। देखिए पॉइंट्स बतिया, इसके फ्लावर्स कितने प्यारे, इसके कलर्स हैं। एक्चुअली फ्लावर्स तो फ्रेंड्स ये वाले होते हैं, इसमें ये सारी लीव्स हैं इसकी, जो इसके पत्ते हैं वो शेड बदल लेते हैं अपने, ये रेड में, पिंक में, वाइट में, तीन चार कलर्स में आता है। ये वाला रेड है, ये देखिए, फिर ये वही हमारा पेंजी, कितने अच्छे अच्छे इसके कलर्स हैं, पर ओलों के कारण सब खराब हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये अस्टर, ये जिरेनियम है, और ये देखिए आपके लिए ये फ्लावर है मेरा पेटूनिया, ये डबल पेटल्स में है फ्रेंड्स। देखिए इसके कलर्स कितने अलग अलग हैं, और बहुत ही सुंदर गठा हुआ फूल है। ये देखिए अब ये ख़राब हो रहा है, इसमें क्रीम है और साथ में पिंक मैजेंटा डार्क वाला। फ्रेंड्स सरप्राइज़ आपके लिए, ये ट्यूलिप्स हैं, ये मैंने तीन चार बल्ब लगाए थे जो कि अब कितने अच्छे खिल गए हैं, और ये येलो, इसमें दो, एक ही बल्ब में दो आ गए हैं, ये दो फ्लावर्स खिल रहे हैं, देखिए कितने सुंदर हैं। और ये भी मैंने भी फर्स्ट टाइम लगाया है, ये मैंने अभी गमलों में लगा रखे हैं, और एक ये है, इसमें अभी नहीं निकला, ये चार बल्ब लगाए थे फ्रेंड्स मैंने, और ये येलो आया है, ये रेड विद वाइट, और बहुत ही सुंदर इसके कलर्स भी आ रखे हैं देखिए। और इसकी सुबह मॉर्निंग में खिल जाते हैं, और ये इवनिंग आते आते बंद हो जाते हैं। ये वाले सबसे ऊपर मैंने हैंगिंग बास्केट्स लगाई हुई हैं, उसमें भी शुरू हो चुकी है ब्लूमिंग होनी फ्रेंड्स। देखिए इस पर तोते, देखिए उसके पीछे पीपल का पेड़ है गहरी चौरी के पीछे, और उस पर देखिए कितने प्यारे तोते बैठे हुए हैं और अपनी चीची कर रहे हैं इस वक्त, देखिए बिल्कुल नेचुरल नज़ारा। पता नहीं क्योंकि मेरे गार्डन में थोड़े पेड़ हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बर्ड्स वगैरह आ जाती हैं। और अभी ये चंपा का पेड़ है, जिसमें अब गर्मियों में फूल आएंगे। इधर आप देखिए ये ऑरेंज वाइन, इसको फ्लेम वाइन भी बोलते हैं। तो बस छोटा सा ओवरव्यू फ्रेंड्स आपके लिए। आज फिर हमारे देहरादून में बादल गरज रहे हैं, और शायद मुझे लगता है फिर आज बरसात और ओले आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना छोटा सा ओवरव्यू अब ख़त्म करती हूँ, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके बाय।